इसके बराबर किसी की ने लिया है। आकर सलाम ने मुस्कुरा कर हजरत आयशा की तरफ देखा और हजरत आयशा से फरमा, हाँ आयशा है। फरमाया, रसूल अल्लाह किसकी ने लिया है? अपनी। अल्लाह के हबीब ने, हजरत आयशा एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? ये सोच रही थी कि अल्लाह के हबीब मेरे बाबा अबू बकर का नाम लेंगे। तो रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा कर फरमाया, आयशा ये तो दिख रहे ना सितारे, इतनी नेकिया उमर की है, उमर इब्ने खत्ताब की इतनी नेकिया है। अब गौर कीजिए, जब ये जवाब मिला तो हजरत आयशा थोड़ी सी नर्वस हो गई, मायूस हो गई और नाराजगी का इजहार करके सर झुका दिया। रसूलुल्लाह ने फिर मुस्कुरा कर फरमाया, आयशा सुनो तो सही, जहां उमर की सारी नेकियां खत्म होती है, मेरे अबू बकर की नेकी की इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हजरत अबू बकर का मकाम, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। और यही नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने हर किसी का एहसान चुका दिया है, मगर मेरे अबू बकर का मुझ पर इतने एहसान है कि कुछ एहसानों का बदला कल कयामत में अल्लाह चुकाने वाला है। सुभान अल्लाह। ये मकाम रखते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला, और क्यों ना रखे, क्योंकि फिर वही बात कि जिस तरह अल्लाह का कलाम सबसे अजीम, इस किताब से ज्यादा अजीम, और इस किताब की तमसील नहीं कायनात में, तो ये किताब जिस रसूल पे उतरी, उस रसूल से ज्यादा अजीम कोई नहीं है, उस रसूल की तमसील कायनात में नहीं मिल सकती, उसी तरह अबू बकर से ज्यादा अजीम और फजीलत वाला कोई नहीं, और अबू बकर की तमसील इंसानी एतबार से कहीं नहीं मिल सकती। अल्लाह से दुआ है रब तबारक व तआला हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सच्ची